दोस्तों आज के इस वीडियो के तरफ बात करने वाले आरबीसीसी वर्सेस जेडएलसीसी के बीच होने वाले आज के पहले मिजोरम टी20 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों को पर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा। इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे 71,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। आगे आने वाले मैचेस जैसे आईपीएल मैच हो गया या फिर 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस होगा, जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूँ उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी है, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने लगे। फ्री की चीज़ को बिल्कुल ही मिस मत करना। जहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे ना उसी वीडियो के टाइटल आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, लिंक आपको सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे ना या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये दोनों की दोनों टीमें काफी ज्यादा कमजोर टीमें हैं। जेडएलसीसी टीम ने सीजन में जो 3 मैचेस के लिए एक भी मैच अपने जीत करके नहीं आ रही हैं, आरबीसीसी की टीम ने आखिरी की जो अपने 5 में से 2 मैच जीत करके 3 हार करके रही है, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आरबीसीसी के प्लेयर्स को आपको ज्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना है। ये जो मैच होने लगा ये आपको मिजोरम के स्टेडियम को देखने को मिलने लगा, जहां का एवरेज स्कोर आपको 103 रन करीब का आखिरी के 5 मैचेस के अंदर, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पे लो स्कोरिंग गेम हो रहा है। आपको बॉलर्स को पूरा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा एच लाल बिया का आना, सबसे पहले एक चीज मैं आपको कहूंगा, अगर ये आपको एज अ विकेट कीपर खेलते हुए नजर आए ना तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपनी स्मॉल लीग और जीएल सभी टीमों में लेकर के चलना है। लेकिन अगर मान लो कि एज अ विकेट कीपर ना खेले, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज के हिसाब से खेले, तो आप चाहो तो इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आखिरी मैच में देखो बल्लेबाजी से थोड़ा सा फ्लॉप हुआ, लेकिन एज अ विकेट कीपर खेला, कैचेस मिल गए। उससे पहले दोनों मैचेस में सिर्फ बल्लेबाजों के हिसाब से खेला, एक मैच में अच्छा किया फिर भी फ्लॉप गया, पहले वाले मैच एक लंबा परफॉर्मेंस करके दिया था, 23 बॉल पे 53 रन बना करके दिया बल्लेबाजी में। ये जो है बल्लेबाजी में एज अ ओपनर आ रहा है, और कहीं अगर एज अ विकेट कीपर खेलने लगे ना तो आपके लिए रिस्क टेकर के लिए एज अ वीसी भी एक अच्छा प्लेयर रहेगा, क्योंकि अगर बल्लेबाजी से सिर्फ 20-25 रन भी बना दिया और बॉलिंग और एज अ विकेट कीपर इसको सिर्फ 20-30 पॉइंट्स भी मिल गए तो 50 से ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि कोई भी जल्दी दिला नहीं पा रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है, बल्लेबाजी ऑप्शन है आपके लिए, सबसे अच्छा प्लेयर रहेगा जे लाल यासतन कुमार, जो कि इस समय आरबीसीसी की टीम ओर से बल्लेबाजी में भी 4 नंबर पे आ रहा है और बॉलिंग से भी आपको कई बार 3 ओवर कई बार 4 ओवर पूरा भी करके दे रहा है, और आरबीसीसी की टीम ओर से कप्तानी भी कर रहा है और काफी अच्छा प्लेयर भी है, तो जोसेफ को आपको लेकर के जरूर चलना है। उसके अलावा मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा लाल रुआक दिका को, जो कि बल्लेबाजी में भी 3रे चौथे पे आ जाएगा, प्लस आपको कई बार ये भी बॉलिंग करके दे रहा है, कई बार 2 ओवर कई बार 3 ओवर। यहाँ पे देख सकते हो कितने ज्यादा लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं, 103 रन का एवरेज स्कोर है, यानी कि आपको बॉलर जो भी प्लेयर आपको बॉलिंग करते हुए नजर आए ना उसके ऊपर आप रिस्क लेकर के चल सकते हो, क्योंकि जो भी बॉलिंग करेंगे वो आपको अच्छा करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से K1 यहाँ से रॉल को लेकर के चलने वाला, जो कि इस समय आरबीसीसी की टीम का बल्लेबाजी में 5वें नंबर पे आ जाएगा, प्लस आपको ये भी 3 से 4 ओवर पूरा बॉलिंग करके देने वाला है, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज से पूरा पूरा मौका मिल रहा है, कभी भी आपको बैकअप दे करके जा सकता है, बॉलिंग से फ्लॉप भी हो गया बल्लेबाजी में रन बना सकता है, बल्लेबाजी से फ्लॉप हो गया बॉलिंग से अच्छा कर सकता है। आर रालते इसका भी नाम अरुणोदस में, लेकिन बल्लेबाजी में काफी नीचे आएगा, लगभग 7 नंबर करीब आएगा, मेनली जो है बॉलिंग से ही आपको अच्छा करके देगा, ज्यादातर मैचेस में 3 ओवर बॉलिंग इसको मिल रहा है। ए शाही एक स्पिनर बॉलर, प्लेयर अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 3 से 4 ओवर पूरा बॉलिंग भी करके दे रहा है, कल के मैच में 20वां ओवर बॉलिंग किया, यानी कि आखिरी के ओवर्स में भी आपको बॉलिंग करके दे सकता है, स्पिनर है तो ऐसा नहीं है कि आखिरी में नहीं करेगा, लेकिन 4 ओवर पूरा बॉलिंग करके देगा, बल्लेबाजी में भी आपको करीब 6 नंबर पर आ जाएगा। जोथन यहाँ से ज्वाला की बात करूँ, मेनली बॉलर है,
और कई बार आपको बल्लेबाजी में भी ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बना सकता, लेकिन ज़्यादा जो है बॉलर है, बल्लेबाजी में आपको पाँचवें नंबर करीब आएगा, लेकिन बॉलिंग से आपको तीन ओवर करीब करके देगा ही देगा। अब इसके अलावा आपके लिए दो और अच्छे प्लेयर रहेंगे आल लाल पुया की बात करें, कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, पहले मैच रन्स बनाया, आखिरी मैच फ्लॉप हुआ, लो स्कोरिंग गेम हो रहा है। अगर आपको रिस्क लेना है आप लेकर के चल सकते हो, लेकिन लो स्कोरिंग गेम होने तो कोई ज़्यादा रन्स बना करके देगा ऐसा कोई भरोसा मत करना। मैं ऐसे जे लाल बियाकीमा को लेकर के चलने का कोशिश करने वाला हूँ, भले ही हर मैच में फ्लॉप हुआ, लेकिन एक फ़ायदा है कि इस बार जो है ना सामने भी काफ़ी कमज़ोर टीम है, जेड एल सी सी की टीम है जो कि एक भी मैच जीत करके नहीं आ रही है, तो आर वी सी सी की टीम ओर से जो भी बॉलिंग करके देगा ना वो अच्छे खासे विकेट निकाल करके आपको इस मैच में दे सकता है, भले ही आखिरी के मैचेस में फ्लॉप हुआ वो मत देखो। हो सकता है सामने सी एच सी की टीम काफ़ी स्ट्रांग टीम थी, तो इस कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच नहीं हुआ, ये जो है कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच है। हो सकता है कि जे लाल बियाकीमा आपको बॉलिंग से तीन चार ओवर करके दो तीन विकेट निकाल करके दे दे और अच्छे खासे पैसे कमाने में मदद करके दे सकता है। लेकिन आर लाल का एक कमी है कि ये देखो बल्लेबाजी में भले ही तीसरे पे आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं, तो बल्लेबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा 30 रन बनाएगा 40 रन बनाएगा, लेकिन बॉलिंग तो मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे प्लेयर को बार रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसकी टीम भी मैच लग रहा हो कि हारने वाली है, लो स्कोरिंग गेम हो रहे, तो बल्लेबाज भी कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं बना करके दे पाएगा, तो बॉलर के ऊपर आपको फोकस करके टीम बनाना है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो जे लाल बियाकीमा को ना लेकर के किसी बॉलर जैसे कि एफ लाल, इसका भी एक कमी है, पहले दोनों मैचेस में इसने पूरा पूरा बॉलिंग किया, तीन तीन चार चार ओवर, लेकिन आखिरी मैच सी एच सी की टीम के खिलाफ इसको एक भी ओवर बॉलिंग नहीं मिला, एक भी ओवर मिला ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आर वी सी सी की टीम मैच जीतने वाली है, तो इसके प्लेयर का जो मेन बॉलर है उसको लेकर के चलूंगा जरूर। एम राम को आखिरी मैच प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, अगर ये खेलेगा तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपनी स्मॉल लीग और जी एल सभी टीमों में लेकर के चलना है, आखिरी मैच में खिलाया गया, हमने लिया भी हुआ था और काफ़ी अच्छा बॉलर, अगर ये खेलेगा तो बिना कुछ भी सोचे आपको लेकर के ज़रूर चलना है, खेलेगा तो चार ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, मैं लेकर के भी ज़रूर चलूँगा। अभी मैं यहाँ से रिन संघ जिला को लेकर के चलने वाला हूँ जो कि बॉलिंग से ऊपर तक करेगा, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, तीन ओवर करीब आपको बॉलिंग करके देने वाला है। उसके बाद मैं ऐसे देखो बी राम को लेना मत क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर आ रहा है, खेलेगा बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा कुछ भी कन्फर्म नहीं है। अब आपको सोचना ये कि कौन सी टीम में मैच जीतने वाली है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो अगर आर वी सी सी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, आर वी सी सी की टीम अगर मान लो पहले बॉलिंग कर रही है, तो ये भी हो सकता है कि सामने वाली टीम के 10 विकेट गिर जाए, वो बहुत कम रन बना पाए, वहाँ पर चेस कर लिया जाए जल्दी से जल्दी, तो वहाँ पे मैं इसके बॉलर को फोकस करूँगा आर वी सी सी के, रेम रुआल फेला को लेकर के चलने का रिस्क लूँगा। बल्लेबाजी ऑप्शन है वॉन लाल, आपको एक अच्छा प्लेयर रह सकता है जो कि बल्लेबाजी में आखिरी मैच ऐसा ओपनर आया हुआ है, लेकिन लो स्कोरिंग गेम होगा, तो इसके बदले मैं कोशिश करूँगा कि एम लाल को आप ले सकते हो, वॉन लाल को लेकर के चल सकते हो, भले ही इसको खिलाया नहीं जा रहा है लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर हर मैच में ला दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा आईपीएल में भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर चल रहा है, बॉलर्स को आखिरी में ला दे रहे हैं, बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के समय पे ले आ रहे हैं, तो इसका भी वही है सेम, पहले मैच से चार ओवर बॉलिंग पूरा किया, दो विकेट लिया एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, दूसरे मैच से दो ओवर बॉलिंग किया फ्लॉप किया, लेकिन प्लेयर अच्छा है कभी भी आपको बॉलिंग से आपको अच्छा करके दे सकता है। अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है तो एम लाल के ऊपर रिस्क ले सकते हो, पहले मैच में फ्लॉप गया, दूसरे मैच इसको तीन विकेट मिला, तीसरे मैच से एक ही ओवर बॉलिंग मिला, तो यही रिस्क रहेगा कि बॉलिंग कितना मिलेगा कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो आर वी सी सी टीम के पास काफी सारे बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन अगर जेडएल सीसी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं यहां से वाने तुलंगा को लेकर के चलूंगा, अगर जेडएल सीसी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, लेकिन वहीं अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है, हो सकता है कि इसकी बॉलिंग में एक ही ओवर मिले, दो ही ओवर बॉलिंग मिले, हो सकता है वो भी ना मिले, तो वहां पर आपको रिस्क नहीं लेना, वहां पर आपको एम लाल को ही लेकर के चलना है। लेकिन अगर पहले बॉलिंग जिसकी भी टीम पहले बॉलिंग करेगी आर वी सी सी, तो मैं इसको लूंगा, जेडएल सीसी की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो मैं यहाँ से वाने तुलंगा को लेकर के चलूंगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को लेकर के चलूंगा, अभी मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, अगर पहले बॉलिंग नहीं होगा तो लेकर के नहीं चलूंगा। कैप मैं लेकर के चलने वाला हूँ जिसका नाम है, यहाँ से तीन अच्छे प्लेयर रहेंगे, एज अ विकेट कीपर खेलेगा तो एच लाल को भी आप एज अ वीसी लेकर के चल सकते हो, बाकी आपके लिए यहाँ से जोतन संघा और यहाँ से के वॉन लाल, ये दोनों में से कोई एक आपको अच्छा करके दे सकता है। मैं के वॉन लाल को लेकर के चलने वाला हूँ, सॉरी के वॉन लाल को,
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरबीसीसी टीम में ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन जोधन वाले ने आखिर के दोनों मैचेस में अच्छा करके दिया हुआ, एक में बॉलिंग से एक मैच बल्लेबाजी से, तो कभी भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना है तो लेकर के चल सकते हो, लेकिन के वन लाल बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ करके देगा तो मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि आखिरी मैच है जोधन वाले ने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं कर रखा है। वीसी में ऐसे अच्छा लाल को लेकर के चलने का रिस्क ले रहा हूँ। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का, तो मुझसे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आप लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने लाए। हमारे चैनल का लिंक आपको जिस भी आप वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे ऊपर पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस ब्लू लिंक पर क्लिक करोगे चैनल के ऊपर पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो फ्री का लाल बटन है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।